हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए बिगनर्स के सीरीज में ये हमारा आज तीसरा वीडियो है। ये गार्टर स्टिच पर्ल वाइज ये बिनाई मैंने बॉर्डर फंदे डालने के बाद आपको बिन के बताया था कि इसको हम कैसे बिनते हैं। अब देखिए, अगर हमको सीधा उल्टा जो स्वेटर में हम बिनते हैं बिनना हो तो उसके लिए अभी तक हमने ये उल्टा उल्टा बिना। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये सिलाई में फंदे ऐसे डाल के पीछे की तरफ डालेंगे, इधर से ऐसे इसको बीनेंगे इस तरह से, और ये निकाल के ये फंदा गिरा देंगे। ये देखिए ऐसे इस तरह से, और ये तो ये हमारी हो जाती है निट स्टिच या सीधी बिनाई। तो ऐसे देखिए, ये जो हमारा अभी तक फंदा था उसको हम उल्टा बिन रहे थे, लेकिन अब हम आगे की तरफ से सिलाई को ऐसे पीछे करेंगे। ये जो हमारा धागा है राइट हैंड में, इसको हम ऐसे सिलाई पे लपेट के और ये जो फंदे हैं इसके बीच से ये सिलाई निकाल लेंगे, फिर इस फंदे को हम गिरा देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा सीधा ये फंदा बिन जाएगा, सीधी बिनाई या निट स्टिच इसको हम बोलते हैं। तो ऐसे इस तरह से बिनेंगे, फंदे में ये राइट हैंड की सिलाई को डालेंगे, ये जो धागा है इसको सिलाई पे ऐसे लपेट के पकड़े रहिए, इसको छोड़ा ढीला मत छोड़िएगा, और ये जो सिलाई है इस फंदे के बीच में से ऐसे निकाल लेंगे। ये देखिए फंदा मेरा बन गया, और अब इस फंदे को गिरा देंगे। फिर से देखिए, फंदे में से सिलाई को ऐसे डालेंगे, इस धागे से राइट हैंड की सिलाई पे इस तरह से धागा लपेटेंगे, इस धागे को पकड़े रहिए, और इस सिलाई को इस फंदे के बीच में से ऐसे निकाल लेंगे और इस फंदे को गिरा दीजिए। इसी तरीके से आप बिनती जाएंगी तो आपका ये सीधी बिनाई आएगा। सीधी तरफ से इसको हम बीनेंगे, और सीधा हमारा होता है जिधर हम फंदे डालते हैं। और ये देखिए ऐठन वाला फंदा नीचे दिखता है बॉर्डर की जगह, ये हमारा सीधा साइड है, और रॉन्ग साइड में आप देखेंगी तो ये नॉट दिखता है। ये देखिए, तो ये हमारा इस तरफ से सीधी तरफ से ऐसे बीनेंगे, तो ये हमारी सीधी बिनाई यानी कि निट स्टिच इसको हम बोलते हैं। बहुत लोग हिंदी में इसको चोटी वाली बिनाई कहते हैं, क्योंकि इस तरह से करते हैं हम। तो ये देखिए इस तरह से बिनाई आती है, तो इसको बहुत लोग चोटी वाली बिनाई कहते हैं। ये देखिए इस तरह से हम बिनते जाएंगे तो हमारा एक सिलाई कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट वाला फंदा भी इसी तरीके से बिन के इसको ऐसे, तो ये हमारी हो गई देखिए सीधी बिनाई। अब पिछले वीडियो में जो हमने ये उल्टी बिनाई की थी इसको हम रॉन्ग साइड से बिनेंगे, तो राइट साइड हमारा पूरा सीधा सीधा आएगा। तो जो हमने बिना था, देखिए फंदे में सिलाई ऐसे डालेंगे अपनी तरफ, ये सिलाई पीछे की तरफ से अपनी तरफ डालेंगे, इस धागे को फिर से सिलाई पे ऐसे लपेटेंगे, ऐसे इसको पकड़े रहिए छोड़ना नहीं है, और इस सिलाई को इस फंदे के बीच में से ऐसे निकाल लेना है और ये फंदा गिरा दीजिए। ये हो गया हमारा पर्ल वाइज यानी उल्टा बिनाई, गांठ वाली बिनाई जो भी आप बोलिए। फिर से देखिए इस तरह से ऐसे जैसे हमने पिछले वीडियो में बनाया था, तो रॉन्ग साइड से हम इसको ऐसे बीनेंगे और राइट साइड से हम इसको सीधी बिनाई जो है उसको बीनेंगे। तो हमारा जो मेन हम जो स्वेटर बीनते हैं सीधी उल्टी बिनाई का, तो इस तरीके से आपका ये आएगा। ये देखिए फंदे को पीछे की तरफ से अपनी तरफ लाना है, सिलाई को ये फंदा लपेट के ऐसे और इसको निकाल देंगे, तो ये हमारी उल्टी बिनाई आ जाएगी। इस तरीके से जो ये नॉट आया था ये रॉन्ग साइड में आएगा, और जो स्टिच आई है निट वाली वो हमारी सीधी साइड आएगी, यानी सीधी बिनाई जो है वो सीधी तरफ रहेगी। तो ये देखिए इस तरीके से ये हो गया हमारा, देखिए रॉन्ग साइड, और ये हो गया राइट साइड। तो राइट साइड देखिए अब इस तरीके से हमारा ये सीधा आ गया। तो इसी तरीके से सीधी तरफ जब हम बीनेंगे तो अपनी तरफ से सिलाई को हम ऐसे डालेंगे और फंदा लपेट के इसको अपनी तरफ ही निकालेंगे और ये फंदा गिरा देंगे। ये देखिए अपनी तरफ से सिलाई को पीछे की तरफ करेंगे लपेटा और ऐसे,
तो ये हो गया हमारा सीधी बिनाई इस तरीके से। देखिए अपनी तरफ से सिलाई को डाला, ऐसे फंदा बना के निकाल दिया, तो ये हो गई सीधी बिनाई। जितने भी फंदे आप डाल रही हैं, ये देखिए ऐसे नीचे का ये पर्ल वाइज जो मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, इसलिए मैंने इसको खोला नहीं है, इसी के ऊपर से मैं आपको बता रही हूं, जिससे आपको दोनों की जो अलग अलग पैटर्न है बनाने की या विधि है ये आपको पता चल जाएगा। ये देखिए ये हो गया सीधी बिनाई। और अपनी तरफ जब इसको हम बीनेंगे इस तरह से, तो ये हो जाएगी उल्टी बिनाई इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम बिन देंगे, तो ये हमारा उल्टा डिजाइन है, उल्टी तरफ से, रॉन्ग साइड से, पर्ल वाइज यानी कि उल्टी बिनाई, गांठ वाली बिनाई। ये देखिए ये देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। ये हमने फंदे डाले इजी तरीके से, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया। दूसरे में मैंने ये दोनों को अपनी तरफ यानी उल्टा उल्टा बिनते हुए बताया, और ये है हमारा एक तरफ से सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा, जिससे हम स्वेटर बनाते हैं। तो ये देखिए ये दोनों हमारा पैटर्न है, इसी सिलाइयों को ऐसे ही बिनते हुए हम अपना डिजाइन बनाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे वीडियो को देखते हुए इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिजाइन के संग, इस सीरीज के अगले वीडियो के संग। तब तक के लिए बाय।